हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण राव उस्ताद स्किल वार आईटीआई। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ट्राई स्क्वायर की। ट्राई स्क्वायर एक प्रकार का चेकिंग व मार्किंग टूल है। इसके द्वारा किसी जॉब या वर्क पीस की इनर और आउटर सरफेस को चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर के दो पार्ट्स हैं, यानी कि ट्राई स्क्वायर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसका पहला भाग होता है ब्लेड एवं दूसरे भाग को स्टॉक कहते हैं। ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसे हार्ड एवं टेम्पर करके बनाते हैं ताकि मेज़र लेते वक्त या कोई और काम करते वक्त इसमें स्क्रैचेस या किसी प्रकार की खराबी ना आए। ट्राई स्क्वायर का हैंडल वाला पार्ट यानी कि स्टॉक को एल्यूमिनियम, स्टील या कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क यानी कि काम के अनुसार ट्राई स्क्वायर मार्केट में अलग अलग प्राइसेस एवं अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल हैं। ट्राई स्क्वायर के दो प्रकार हैं, फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर एंड एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। फिक्स्ड टाइप ट्राई स्क्वायर में इसके ब्लेड को स्टॉक के साथ किसी रिवेट्स के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके ब्लेड पर इंच, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में डायमेंशंस के निशान बने होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दोनों प्रकार के ट्राई स्क्वायर को दर्शाया गया है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर में पूरा का पूरा ब्लेड स्टॉक में ड्रॉ बोल्ट की सहायता से आगे पीछे किया जा सकता है। इसको एडजस्ट करके इसे छोटा या बड़ा करके किसी भी साइज़ का बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसी जॉब को 90 डिग्री पर सेट करने के लिए या फिर उस वर्क पीस या जॉब पर 90 डिग्री मार्किंग करने के लिए किया जाता है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर की सहायता से किसी भी डेप्थ या गहराई वाले वर्क पीस में आसानी से कार्य किया जा सकता है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर की मदद से किसी वर्क पीस के एंगुलर डायमेंशन सेट किए जा सकते हैं या फिर उस पर मार्किंग की जा सकती है। एंगुलर या स्ट्रेट दोनों प्लेन्स पर मार्किंग करने के लिए एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर यूज किए जा सकते हैं। सिलेंड्रिकल या बेलनाकार वस्तुओं पर मार्किंग के लिए कुछ स्पेशल प्रकार के ट्राई स्क्वायर भी अवेलेबल है जो एडजस्टेबल टाइप ट्राई स्क्वायर में आते हैं। आइए देखते हैं ट्राई स्क्वायर में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। ट्राई स्क्वायर सामान्य तौर पर किसी मेटल्स या कभी कभी इसका स्टॉक लकड़ी से भी बना होता है, तो एक स्पेशल सावधानी ये रखनी है कि इसे गिरने से बचाना चाहिए। जॉब चेक करते समय या जॉब चेक होने के बाद इसे किसी सरफेस के साथ रब नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई मेटल या सीमेंटेड सरफेस के साथ रगड़ना नहीं चाहिए, इससे उसके डायमेंशंस खराब हो सकते हैं। जहाँ तक हो सके इसे किसी लकड़ी के बॉक्स या फिर केसिंग में रखना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने देखा ट्राई स्क्वायर, इसके मटेरियल, इसके प्रकार एवं यूज़ करने के तरीके। अगर फिर भी किसी टॉपिक पर आपको डाउट है या ऐसा लग रहा है कि नहीं समझा, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फॉर एडमिशन एंड मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू अवर इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण राव उस्ताद उस्किल वार आईटीआई। थैंक यू।